नहीं, मेरी हिम्मत कभी टूटती नहीं जो मैं करूँगा। मेरे अंदर पागलपन है ट्रेनिंग का, पर ट्रेनिंग मेरी मिस होती है एक दिन भी तो मैं बड़ा डाउन फील करता हूँ। मुझे मज़ा ही ट्रेनिंग के बाद आता, पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। तो मैंने बताया कि मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, हालांकि मैं उस टाइम मैरिड था, मैंने बताया नहीं गुरुजी को, मैंने छुपा लिया। मेरा बेटा एक साल का था, मगर मैंने तो बता दिया तो पता नहीं वो मुझे कराएंगे नहीं कराएंगे, सीरियस लेंगे नहीं लेंगे। आपको लोग क्यों गुरुजी कहते हैं सब? मुझे बहुत मार पड़ी, वो मार पड़ पड़ के धीरे धीरे हम तरक्की करते आए। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन है मुकेश भाई से कि 50 साल के आसपास एज है इनकी और अभी भी बिल्कुल यंग मैन की तरह हैं और मसल साइज इतना है कि मेरे दोनों हाथों में नहीं आ रहा, बाइसेप्स 22 इंच का बाइसेप्स हो कम से कम। तो मुकेश भाई कैसे मेंटेन, मतलब वर्कआउट तो आप कर ही रहे हो कंटिन्यू, तो डाइट का बताओ कि इस एज में भी आकर इतने पूरा मसल्स मास ले रखा है आपने, अभी भी आप ऐसा लगता है कि अभी एथलीट ही हो, अभी स्टेज से उतर के आए हो, ऐसी बॉडी आज भी आपकी, तो कैसे मतलब मेंटेन कर रहे हो? डाइट का बताओ मोटा मोटा सा एक बार अपना खुद का। पवन जी देखो, एक तो पिछले 25 साल से जो कंसिस्टेंसी है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। कई लोग जो गेम से नहीं जुड़े हुए हैं ना, जो रेगुलर ट्रेनिंग से नहीं जुड़े हुए, उनके मन में ये मिथ होता है कि 40-50 में तो हार्मोन हमारे डिक्लाइन कर जाते हैं, आप कैसे इतने फिट हो, कुछ ना कुछ गलत कर रहे होगे, कुछ ना कुछ आप इलीगल ले रहे हो। हाँ। तो मैं उनको, मेरा जवाब यही है कि भाई 25 साल लगाओ तो सही किसी चीज़ पे, लगातार 25 साल वर्कआउट तो करो करो, तब तो पता लगेगा कि हाँ ये कितना पॉसिबल है या नहीं है। बिल्कुल, जब आप एक्टिव लाइफस्टाइल है ना, आपका खान पान अच्छा है, तो आपके बॉडी के सभी हार्मोन एलिवेटेड रहते हैं। वो इस चीज़ को नहीं देखते, वो 2000 महीने करने वाले जो होते हैं ना, देखिए हमें भी भैया 6 महीने का कुछ हुआ नहीं, वो वाले लोग बोलते हैं ज़्यादा। तो मेरा यही है कि डाइट की अगर मैं बताऊं तो मेरी डाइट आज भी वैसे ही जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग में करता था, क्लीन डाइट रहती मोस्टली। कभी कभार कोई मैंने अपना गेट टुगेदर या पार्टी एंजॉय करना है तो वहाँ भी फिर अपने गेम को साइड करके वो एंजॉय करता हूँ। जब गेम में हूँ तो मैं फिर पूरा वही पे, ट्रेनिंग में हूँ तो वहाँ, और मेरे साथ ये सारे यंग एथलीट हैं, मैं तो हमेशा मेरा यही रहता है कि इनके बराबर ट्रेनिंग करनी मैंने भी। हाँ, जवान बच्चों के साथ रहेंगे, जवान बच्चों के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो जवान ही रहेंगे फिर। ये मेरे से मोटिवेट रहते हैं, मैं इनसे रहता हूँ, मैं इनसे मोटिवेशन लेता हूँ, नहीं इनके बराबर ही करना है। जो सबसे बड़ा राज ये बताया कि ये भी वर्कआउट डेली कर रहे हैं और अपने डाइट को पूरा क्लीन डाइट है, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, प्रोटीन का पूरा क्या 1.5 ग्राम के 2 ग्राम के हिसाब से ले रहे हो आप तो? हाँ, मेरा 200 ग्राम के आसपास मेरा प्रोटीन इंटेग्रोज का हो जाता है, लीन प्रोटीन होगा सारा का सारा। हाँ, चिकन से, अंडे से, चिकन अंडा फिश, वेज सोर्सेज में कुछ लेता हूँ वो भी, और सप्लीमेंट का प्रोटीन काउंट नहीं करता, वो मेरा अलग रहता है, एक तो जो भी मैं लेता हूँ, मैं डाइट का प्रोटीन काउंट करता हूँ कि इतना मैंने डाइट से लेना है। हाँ, यहाँ भी ये गड़बड़ आ गई कि जो बच्चे हैं हमारे नए, वो सोचते हैं कि मैंने 3 स्कूप ले लिए तो 75 ग्राम प्रोटीन ले लिया, मुकेश भाई उसको जोड़ते ही नहीं अपने डाइट के अंदर, मुकेश भाई जोड़ते हैं फिश, अंडा, चिकन, जहाँ से रो प्रोटीन बिल्कुल लिया वो प्रोटीन है, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट ले लिए, पनीर वगैरह, दूध दही, इनसे स्कूप वाला काम नहीं है। मैं तभी तो भाई से सोयाबीन यूज करता हूँ, बहुत बच्चों में सोयाबीन खाने से स्वस्थ बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं भाई, सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, हमारी सभी दालें अच्छा सोर्स है, पीनट्स आप कच्चे खाओ बहुत अच्छा सोर्स है, ड्राई फ्रूट्स लो, तो सोया इतना अच्छा सोर्स है, पता नहीं क्यों ये कहाँ से मैं दो कि सोयाबीन से अच्छा, आपने 2 किलो थोड़ी खाना हमने रोज, हमने 100-150 ग्राम अगर खाएंगे, 80 ग्राम खाएंगे तो उससे क्या बढ़ना है कुछ भी। सोयाबीन के बारे में मैंने पढ़ा है, मैं भी कॉम्बैट फिटनेस ट्रेनर हूं दोस्तों, तो सोयाबीन का ये मिथ है कि लोग कहते हैं कि सोयाबीन से बचते हैं कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा बताते हैं, पर मिथ है वो। अब 50-60 ग्राम डेली खाओ आप, 50 ग्राम में आपको लगभग 20 ग्राम का ऐसा प्रोटीन मिल जाता है उसमें, अच्छा सोर्स है और सस्ता भी है, तो खाना चाहिए मुकेश। सोयाबीन, एग वाइट और मिल्क के बाद अगर कोई पूरा प्रोफाइल जिस अमीनो एसिड है ना, सीक्वेंसी प्रोटीन है, तो सोया प्रोटीन है, अंडे में और दूध में थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, बाकी सोया तीसरे नंबर पर आता है, बहुत अच्छा सोर्स है, 60-70 ग्राम 80 ग्राम 100 ग्राम तक भी आप रोज खा सकते हो, सस्ता सोर्स है, सस्ता बिल्कुल हर घर में अवेलेबल, कोई दिक्कत कैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और घर वाले भी खुश के वेज डाइट ले रहे हैं, वेज डाइट से खुश रहते हैं लोग। मुकेश भाई आपने यहाँ तो इंडिया से, पूरी इंडिया से बच्चे आ रखे हैं, तो कुछ अपने स्टूडेंट ऐसे दिखाओ जो अभी रिसेंटली किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और जो तैयार भी हो, थोड़ा बहुत तैयारी इनकी चल रही हो। मेरे पास बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों में ही इंडिया के टॉप एथलीट्स हैं,
और मेरे पास क्या द्रोणाचार्य दर्जन जी देन है, तो अभी कुछ बच्चे अभी हैं और जो बहुत दूर से आते हैं ना, वीकली भी आते हैं, बहुत बच्चे 150-200 बच्चे यहाँ रहते भी हैं रूम लेके, जो रूम लेके बाहर से आके रह रहे हैं पार्वान। हाँ, और विद इन ए ईयर, देखो कोई सोच के आते हैं 2-3 महीने में कोई ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। एक साल कम से कम जो बच्चा टिक के करेगा ईमानदारी से, वो तो एक साल में स्टेज के लिए रेडी हो जाता है, फिर हर साल अपने आपको आगे, जैसे ये कपिल हिसार रहता है। अच्छा, आप हिसार से हैं? हाँ, तो आपने ट्रेनिंग कराई है मेरे पास 15 दिन में, महीने में आता रहता है, बीच में हमारी बात होती रहती है, जो भी प्रॉब्लम आती है गाइड। अच्छा, एक तरीके से आप गाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हो, सिर्फ प्रोग्राम बना के दे दिया, डाइट बता दी, वहाँ पे वर्कआउट करते हैं हिसार में, आपके पास आते हैं 7-10 दिन में, चेक करते हैं अपने आपको, आप इनको बताते हो क्या कमियाँ हैं, क्या सही, क्या क्या वर्कआउट चेंज करना है। उसको अभी साल ही पूरा नहीं हुआ, अभी ये कंपटीशन रेडी है, और 3 किलो इसका मैं कट करूंगा, ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा। दोस्तों, अभी साल भर भी नहीं हुआ है इनको, हिसार से आते हैं और आप फिजिक देख सकते हो, बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयार हैं। लगाओ साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप्स, और मेरे पास अभी एक ही साल की समझो एथलीट, मेरे पास कम से कम 30-40 ऐसे एथलीट है जो इस लेवल पे, या इससे बेटर भी है। अभी 30-40 एथलीट है इस लेवल पे, इससे बेटर भी है, जो तैयार है बिल्कुल खेलने के लिए, जो तैयार हुए हैं एक साल के अंदर अंदर। पुरानी है वो अलग है। एब्डोमिन, तो जो तो ईमानदार है वो तो तैयार हो जाता है, और जो चोरी करेगा उसको कोई नहीं कर सकता। चोरी करने वाला है कोई यहाँ पे जगह भी नहीं उसके लिए। तो आपने तो गेम किया ही है। हाँ। मेहनत का ही खेल है सारा का सारा। आ जाओ भाई, ये मांडोटी से हरियाणा से, लेकिन ये यही रहता है, और मैंने इसको जिम में अपने साथ भी लगा लिया है एज ए ट्रेनर। अच्छा, रूम लेके यही रहते हैं और हेल्प हो जाती है, और अपना गेम भी कर रहे हैं, ट्रेनर का काम भी देखते हैं, अपना वर्कआउट करने के लिए आया था वैसे। अच्छा, पावर लिफ्टिंग के लिए आया था। लिफ्टिंग की फिर इसका मन हुआ कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है, तो अब इसको उसके लिए तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, पावर लिफ्टिंग के लिए आए थे मुकेश भाई के पास, और अब बॉडी बिल्डिंग में मन लग गया, तो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। सचिन गहलोत, सचिन दलाल नाम है भाई का, और मांडोटी से हैं, हरियाणा से, यही रूम लेकर रहते हैं। लगाओ पोज, डबल बाइसेप्स, साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप्स। अभी अपना यूनिवर्सिटी का करके आया कंपटीशन, उसमें हरियाणा में, हाँ, चंडीगढ़ में गोल्ड मारा है। हाँ, तो अब इंडिया यूनिवर्सिटी जाएगा। ठीक है, तो ये भी अभी आने वाले टाइम में कम नहीं खेल रहा है, आने वाले टाइम के एथलीट हैं हमारे, जो मिस्टर इंडिया तक, और मुकेश भाई कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे हम इनको और ऊपर आगे ले जाने की, इंडिया से भी ऊपर। राहुल इधर आओ भाई, राहुल जी आओ। मैं एक साल हो गया, साल भर हो गया, और प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेज। हाँ, और पावर लिफ्टर, 300+ की बैठक मारता है, 300+ की डेड बैठक स्क्वाट। हाँ, 250 की डेड मारता है, और 200 के आसपास बेंच भी है। वेजिटेरियन है प्योर, और 200 केजी की बेंच, 250 की डेड लिफ्ट, और 300 की स्क्वाट। तो ऐसा नहीं है कि वेज वाले तगड़े नहीं होते। मुकेश भाई के पास आओ, वेज वाले भी तगड़े बनेंगे। तो ये भी बड़ा ब्राइट फ्यूचर, अभी जाएगा 400 एक साल के अंदर। ठीक है अमित जी। हाँ हाँ, आ पंजाब पुलिस जिंदाबाद। ये आपको पता ही, मैंने बताया था। हाँ, जूडो करते हैं, और अभी हेलो अमित जी, जूडो में इनका इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन भी होगा। आप जूडो के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो गया आपका, कहाँ हुआ सिलेक्शन? दिल्ली में ट्रायल थी, दिल्ली में ट्राई था। तो अभी पावर लिफ्टिंग की तरफ आपका ध्यान है? पावर लिफ्टिंग की तरफ। लेकिन ये है, जिम के अंदर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग नहीं होती, तो एक वो भी होती है, आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं। हाँ, तो एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग है कि आपके स्पोर्ट्स में किस मसल पर काम करना है। क्रिकेटर भी है मेरे पास, बैडमिंटन वाले भी है मेरे पास, कबड्डी वाले प्लेयर भी, उनको किस एरिया पे स्ट्रेंथ चाहिए, क्या स्पीड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, सिर्फ जिम ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पावर लिफ्टिंग और मसल्स नहीं बनाए जाते, क्रिकेटर, बैडमिंटन वाले, फुटबॉलर सब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर आदमी को फिटनेस चाहिए। बिल्कुल, पर्टिकुलर सबका अलग अलग वर्कआउट देते हैं मुकेश भाई, सबका डाइट प्लान अलग अलग है, और यहाँ पे आओ और अपना डाइट का पूरा सिस्टम बनवाओ, अपना वर्कआउट का बनवाओ बढ़िया शेड्यूल, और देश को आगे ले जाओ।
और हमारे बच्चे फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अभी बताइए भाई ये नॉर्मल फिटनेस का है वैसे, अभी गेम का टारगेट नहीं है लेकिन ये कलाबाजियाँ सारी करता है कुछ दिखा भाई करके या अभी जिमनास्टिक एकदम से नहीं हो पाएगा, मसल वसल तो नहीं खींचना चाहिए बस पिकअप हो जाएगा अभी, हाँ बैक लो अभी नहीं पाएगी, हाँ हाँ बाकी तो और ये इसके इंस्टाग्राम पे बच्चे देखे थे बहुत कुछ उल्टा सीधा करता रहता है देखना पलेट उलेट, हाँ ये अपना नॉर्मल फिटनेस के लिए करता है, बाद में गेम में भी आएगा ट्रेनर भी अपना। हाँ भाई शिवम आपको दिखाता हूँ कहाँ से शुरू होते हैं हम, मेरे पास आ रहे हाँ ठीक है बढ़िया बढ़िया, 5-6 महीने की तैयारी है सर अभी। हाँ बहुत बढ़िया, कहाँ से हो आप? ग्रेटर नोएडा से आते हो, बहुत बढ़िया। देख रहे हो दोस्तों इंडिया में कहीं कहीं से लोग आके यहाँ पे ये गुरुकुल एक तरीके का जैसे महाभारत के जमाने में हुआ करता ना द्रोणाचार्य गुरुकुल, जहाँ पांडवों ने और कौरवों ने शिक्षा ली थी, ऐसे यहाँ से भी योद्धा निकलते हैं अलग अलग फील्ड के। तो इतनी सुबह की शिफ्ट में और चैंपियन मेरे आते तो उनका करवाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा दिखाते हैं। दोस्तों मुकेश भाई के जिम में एथलीट हैं कई तरह के, उनमें मुकेश भाई बताएंगे, कुछ बच्चियां भी हमारे पास जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी आगे आने वाले टाइम में। मुकेश भाई थोड़ा परिचय देखो, एथलीट एथलीट होता है, लड़का या लड़की नहीं होता, वो सिर्फ एक प्लेयर है, स्पोर्ट्स पर्सन है और मेडल लेके आना अपने लिए भी और देश के लिए भी, तो ये लड़का और लड़की ये तो सब बराबर मेरे लिए, जितना इनको ट्रेनिंग कराता हूँ मैं उसी पेस से इनको भी कराता हूँ, इन पर भी कोई दया नहीं है और मेरे पास जो ईमानदार सेंसर है वही टिकता भी है। अभी जैसे रिजल्ट डेली आती है, इसका अपना काम भी होता है जिनमें किसी सप्लीमेंट उसके साथ एंडोर्समेंट भी वहाँ भी अपनी इसलिए करना है, डेली रात को 10-10:30 बजे ट्रेनिंग करती है और बिल्कुल लड़कों बराबर ट्रेनिंग करती है, कोई ऐसी बात नहीं। राधा अभी आई है नहीं है, ये पावरलिफ्टिंग और फिटनेस दोनों करेंगी, आप बताओ अपना। मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम हेजल है एंड मैं फिटनेस में 5-6 साल से हूँ, बट बॉडी बिल्डिंग का मुझे एक पैशन था शुरू से, मैं कोच की तलाश में थी बहुत टाइम से, तो मुझे किसी ने बताया कि मुकेश सर हैं जो बाहर से लोग सब आते हैं दिल्ली में कोच में आते हैं, दिस इज़ अ हब फॉर फिटनेस, तो मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया और सर से बात करी और आगे दिन ही आके मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं पीछे से प्रेस बैकग्राउंड से हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, लेकिन मुझे पैशन है फिटनेस का, मैं बहुत बिजी रहती हूँ लेकिन मैं शाम को अपना टाइम ज़रूर निकालती हूँ और सर से आके ट्रेनिंग लेती हूँ, उनकी गाइडेंस में ही मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है और मुझे बहुत आगे जाना है इन्हीं के साथ जुड़ के। दादा आप कहाँ से हैं? सर मैं मुरैना से हूँ। बोलो ये लो आदमी बताओ अपने बारे में, भैया पकड़ो बताओ उधर कैमरे। मैं एमपी से आई हूँ, मुरैना से, जिला मुरैना से, मेरे को नहीं पता कि सर ट्रेनिंग कराते लेकिन मैंने एक भैया से कांटेक्ट किया था, उन्होंने बताया था कि मुकेश गहलोत सर जी हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ आ गई, मैंने ना किसी को पूछा ना जाना, डायरेक्टली आ गई। मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ लेकिन बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहती हूँ। हाइट वैसे छोटी है लेकिन इरादे बड़े खतरनाक है दोनों। मैं एमपी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने। आप तो ये बताया सर मुझे दोनों गेम में चैंपियन बनाना है। हिजल जी कोई यूथ के लिए आपके पास कोई मैसेज? बिल्कुल डेफिनेटली, देयर इज नो टुमारो, जो करना है आज से ही करो और ठान लो अपने सपनों के लिए, आपको खुद ही आगे आना पड़ेगा, आपके पास गाइडेंस है, आप बाहर निकलो, टीचिंग लो, सब कुछ है अपने सपनों का, एक आवाज दो और आओ, जुड़ो हमारे साथ आकर, बहुत आगे तक जाओगे। दोस्तों आ जाओ फिर, किस बात का इंतजार है? मुकेश भाई के शरण में आओ, जिनके बच्चों के सपने बॉडी बिल्डिंग के, पावर लिफ्टिंग के या किसी और भी गेम के, सारी गाइडेंस, डाइट चार्ट, वर्कआउट प्लान सब मिलेंगे। क्यों मुकेश भाई? थैंक यू पवन जी, और आप तो खुद भी प्लेयर हैं और मुझे लगता है मेरे से पहले आपने गेम शुरू किया था। हाँ मैंने 94 में मिस्टर दिल्ली खेला था, मैंने 97 में शुरू किया, तो आपको पता ही है गेम की क्या डिमांड्स है, कितना इसमें वर्कआउट कितना करना पड़ता है, क्या डाइट का सब आपको पता ही है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और आप तो स्पोर्ट्स में पैसा भी आ गया। बिल्कुल कंपनियां स्पॉन्सर भी करने लगी, हमारे जमाने में पैसा नहीं था, कुछ भी अपने घर से करना पड़ता था, अभी तो आप कहीं किसी कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो और वहां से कमा सकते हो पैसे। तो अपने बारे में बताओ थोड़ा। मैं तो बताता हूं, 5 साल से खुद ही बता रहे हो। तो पूरा दिन अपना काम को भी देखते हैं, बिजनेस भी देखना है इनके पास, कम से कम 100 के आसपास इनके पास एम्प्लॉई काम करते हैं, इतना कुछ हैंडल करने के बाद रात को 9 बजे आके अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं, तो आपके पास कोई बहाना नहीं कि मेरे पास काम ज़्यादा है या क्या है, जिसने करना है ना वो अपने लिए टाइम निकाल लेता है।
सभी के पास 24 घंटे हैं, बताएंगे कितना, तो टाइम मैनेजमेंट की बात। इसके पीछे पूरा योगदान सर का है, जो मुझे पुश करते हैं जल्दी आगे जिम में मर, ये लैंग्वेज बोलते हैं तो यहाँ आके गिरती हूँ बस मैं। अब देख लो 9:30 बज गए दोस्तों, 9:30 रखे हैं, देख लो पूरे दिन का अपना ऑफिस का वर्क करने के बाद यहाँ पावर लिफ्टिंग करने के लिए आए हैं। एक घंटा ड्राइविंग भी करी है और पावर लिफ्टिंग खेलेंगे, और 11 बजे तक वर्कआउट करेंगे फिर घर जाएंगे। 11 बजे तक वर्कआउट करना है, फिर अपने घर जाएंगे, फिर डाइट लेंगे, फिर सो जाएंगे सुबह, फिर अपने ऑफिस। हाँ तो ये सब क्या है कि अंदर का सेल्फ मोटिवेशन है कि आपको ट्रेनिंग करनी है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ट्रेनिंग के लिए। देख लो कितने बजे पूरे दिन से करना ही है, सक्सेस मिलता है। आज नहीं तो कभी नहीं। ये सर ने सिखाई थी स्टार्टिंग में, लिफ्टिंग वुफ्टिंग मुझे तो नॉलेज थी नहीं, मार पकड़ के इन्होंने सिखाई थी, बस धीरे धीरे पकड़ती गई करती गई, और अब 100 kg तो कुछ भी नहीं होता। अभी लगाई 120 किलो ऐसे कटा कट रहे मारे 120 केजी के रहने, हाँ 8-10 रैप मार देते। अभी आपका प्लान आ जाती है धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस, अभी खेलने का प्लान है। इसका प्लान कुछ नहीं होता, जब मुझे लगता है ना कोई कंपटीशन की तैयारी कर रही, मैं अपनी ट्रेनिंग चेंज कर देता, इसको पता नहीं लगता, और फिर बोल देता हूँ चलो आगे पर कल कंपटीशन में लगा दी मैंने, ये तो मेरे से बिल्कुल नहीं लगेगी। फिर धीरे धीरे एक दिन प्रैक्टिस करी और 75 की लगाई थी ना स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, फिर मेरे को इजी लगने लगी। यही कमाल है गुरु का। चलो चलो दोस्तों, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते रहेंगे। अभी अगले एपिसोड में दिखाएंगे हम कुछ स्टूडेंटों का वर्कआउट, और एक दिन मुकेश भाई का वर्कआउट दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा, ये इस उम्र में भी कैसा वर्कआउट करते हैं। ठीक है मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत नॉलेज दी नए बच्चों को, जो कि जरूरी है हमारे इंडिया के बच्चों को। तो दोस्तों आओ, एक गुरुकुल है बहुत बड़ा, जैसे पुराने जमाने में हुआ करते, आओ यहाँ पे अच्छा एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट प्लान लो, मुकेश भाई का आशीर्वाद लो, और इंडिया को मेडल दिलाओ, यहीं से मेडल निकलते हैं। नमस्कार भाई साहब, और आप बढ़ाते रहो बच्चों को, ऐसे हौसला देते रहो। हमारा काम है हौसला देना बच्चों को।